भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। भाई समय हो रहा है 10:30, अभी 10 मिनट पहले उठे हैं और सुबह से हमारे यहाँ गिर रहा है बहुत शानदार पानी, मस्त झमाझम पानी गिर रहा है। आंगन पानी भर चुका है हमारे और मौसम बहुत ठंडा हो गया, बड़ा अच्छा हो गया, बड़ा शानदार हो गया है। तो उठ के जब आंगन में यहाँ खड़े होना तो फेस पे जब ठंडी ठंडी हवा लग रही है तो बड़ा फ्रेशनेस टाइप का लग रहा है। ताजी ऑक्सीजन, बहुत मस्त। घर के बहुत सारे काम निपटाकर, इतने सारे कपड़े धोकर भाई, और थोड़ा सा फर्श में काई लग गई थी उसको छोड़ाकर बहुत सारे काम करकर नहा धोकर भाई अब हो गए फुर्सत और हो गई है दोपहर। लंच टाइम और लंच टाइम से तो हम काफी लेट हो चुके हैं। थाली हमारी तैयार है, बड़ी बजनी थाली है। दाल, आलू, देसी चना, टमाटर की सब्जी, खीरे का सलाद और गर्मा गर्म चावल, बहुत बढ़िया शानदार थाली। भूख लग चुकी है, फटाफट चलते पूरा खाना फिनिश करते हैं। हो गई है बहुत शानदार शाम, समय हो रहा है 4:20। दोनों भाई हो गए हैं तैयार और बढ़िया झमकार के पहने हैं, सफेदी की झमकार, सफेद शर्ट भाई, बहुत बढ़िया। और ये मौसम अब देखो कितना अच्छा लाइट मार रहा है ना, और दोनों भाई तैयार होकर जा रहे हैं भाई यहाँ से जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में। सरकारी वृक्षारोपण अभियान हो रहा है भाई, अंकुर अभियान ना भैया, अंकुर अभियान के अंतर्गत में भाई आज 10 तारीख है तो महाअभियान चल रहा है। मेरी जानकारी के हिसाब से शायद 5,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। हाँ, वहाँ बहुत लोग इकट्ठा हो रहे हैं, सभी विभाग, जिसमें मंत्री जी, कलेक्टर साहब है ना, नगर निगम कमिश्नर, बहुत सारे आला अधिकारी भाई जितने भी हैं सब लोग आएंगे और बढ़िया बहुत दूरी में पौधा लगाएंगे। बहुत शानदार सज गया है, मुझे ऐसी खबर मिल गई है ना। तो अपन यहाँ से फटाफट चलते हैं और जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज पहुँचते हैं और शानदार करते हैं भाई अपने हाथ से वृक्षारोपण। वृक्षारोपण करना भाई बहुत पुण्य का काम है, बहुत पवित्र काम है, और इस समय जितने ज़्यादा वृक्ष लगाते बने लगाओ, क्योंकि शासन का आदेश है कि भाई पौधे लगाते जाओ, हरियाली की चादर बना दो मध्य प्रदेश को, इतने पौधे लगाने हैं हम सब। तो यहाँ से चलना है, धर्म बनता है, कर्म बनता है कि आपको पौधा लगाना है। कुछ नहीं तो एक पौधा अपने घर में लगाओ, पर एक पौधा तो कम से कम लगाओ भाई, इस प्रकृति के लिए, इस प्रदेश के लिए, हरियाली के लिए, अपने लिए, क्योंकि यही पौधा देश के लिए, यही पौधा आपको ऑक्सीजन देगा भाई, बड़ा होगा। तो चलो चलते हैं अच्छे अभियान में, पुनीत कार्य करते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर लें भाई, हम जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने जो प्रोफेसर कॉलोनी है ना, वहाँ वृक्षारोपण हो रहा है, तो हम स्पॉट पर पहुँच चुके हैं। कलेक्टर साहब आ चुके हैं, कमिश्नर साहब आ चुके हैं, सभी लोग अंदर आ चुके हैं और बिल्कुल अंदर चलते हैं। और बहुत गजब का यहाँ डेकोरेशन किया गया है, बहुत गजब का सजाया गया है, तो अंदर चल के आपको पूरा कार्यक्रम हम दिखाते हैं आराम से। देखिए मैं बोल रहा था ना कितना शानदार डेकोरेशन, तो देखो ये भाई पूरा तिरंगे का डेकोरेशन किया गया, पीछे पूरा वृक्षारोपण के गड्ढे खोद दिए गए हैं और वृक्ष उसके पास रख दिया गया है। एक एक करके भाई सभी लोग वृक्ष को रोपना चालू करेंगे। कलेक्टर साहब पहले कार्यक्रम का उद्घाटन कर दें, उसके बाद भाई कार्यक्रम पूरा चलता ही जाएगा। इतने दूरी तक देखो आप लोग गड्ढे लगे हुए हैं। ने उद्घाटन कर दिया है, मैंने पकड़ा भाई बिही का पौधा, अमरूद मिलके बिही का पौधा को रोपते हैं। ये पूरा अच्छी मिट्टी है, तो शानदार गड्ढा, जैसे नियम से गड्ढे खुदते हैं बिल्कुल ऐसे ही खोदे हैं। तो चलो भाई शुभारंभ करते हैं, पौधा को रोपा जाए। वेरी गुड, चलो मिट्टी से अच्छे दबा दो उसको टाइट करके, पूरा दबा देंगे ना अपन इसको बहुत शानदार तरीके से। भैया आप भी आ जाओ सामने, सब लोग अपना अपना योगदान दे रहे हैं भाई वृक्षारोपण में। भैया भी आ गए, बहुत जरूरी है। अच्छा, इन्होंने अमरूद के पेड़ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अमरूद खाएंगे स्वयं आकर के। 5,000 वृक्ष लग रहे हैं भाई, तो इतने बड़े काम में तो हर किसी का सहयोग बनता ही है।
माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भाई कार्यक्रम बहुत शानदार हो गया। अभी तो पौधारोपण चल रहे हैं, पीछे आप देख सकते हो इतने सारे पौधारोपण हो चुके हैं। हमने भी भाई बहुत सारे पौधारोपण किए हैं। समय हो रहा है 6:15, मंची कार्यक्रम भी चल रहा है और बच्चे लगे हैं पौधारोपण करने। देखो ये देखो ये देखो भाई बहुत सारे लग गए पूरे, इस तरह पूरे लग चुके हैं ना। पीछे अभी और जो उतर रहे हैं वो एक्स्ट्रा वाले हैं, तो पूरे लगते रहेंगे। बहुत सारे लोग आए भाई, बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ और मंची कार्यक्रम अभी चल रहा है और बूंदाबांदी चालू हो चुकी है। तो भाई कार्यक्रम में देखो पौधा लगाए, भगवान ने कुदरत का पानी दे दिया है ना, तो पौधा तो भाई मजा आ गया, बहुत शानदार। सरकारी कार्यक्रम में पौधा लगाने में तो भाई अपने आप में मजा आता है ना। तो अब अपन चलते हैं पानी से दूर मंची कार्यक्रम में। मंची कार्यक्रम तो चल रहा है और थोड़ा अच्छा लंबा चलेगा। समय हो रहा है 6:10 और हम लोग ना कॉलोनी की सड़कों पे घूम रहे हैं और जहाँ जहाँ वृक्ष रुक चुके हैं और जहाँ होने वाला है वृक्षारोपण वहाँ का भाई पूरा निरीक्षण कर लिए है। हमारे साथ है हमारे अभिषेक भाई, बोलो जय श्री राम। हाँ सकल दिखाओ भाई, सब लोग ग्रुप दिख जाए तीनों भाइयों का। देखो ये तो हमारे भाई हैं ही, हमारा डेली का ब्लॉग देखते हैं भाई, लाइक करते हैं और ब्लॉग को बड़े इंतजार करते हैं कि कब आएगा। ठीक है, तो हम लोग तीनों बढ़िया तिकड़ी मिलकर घूम रहे हैं और पीछे पूरे जो आला अधिकारी है ना मिनिस्टर सब मंची कार्यक्रम व्यस्त है। और भाई मंची कार्यक्रम हमारा मन नहीं लगता, हमें तो ऐसी खुली हवाओं मन लगता है घूमने में। तो भाई बहुत अच्छा है, हमने आपको 5000 वृक्षारोपण जो बताया है ना, ये पूरी कॉलोनी जो है जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रोफेसर कॉलोनी है। ये देखो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखो पीछे हो गया, ये पूरा हो चुका है। ठीक है, प्रूफ के साथ बात करते भाई, पूरा प्रूफ के साथ। ये देखो अभी यहाँ होना है, ठीक है, ये पूरा प्लॉट देखो ये है। ऐसे आगे जितने भी प्लॉट पड़ते जाएंगे जहाँ वृक्षारोपण सही तरीके से हो सकता है वो पूरा यहाँ होगा। और लाखों वृक्षारोपण भाई महीने भर में होने हैं, 5000 यहाँ होने हैं। तो देखो इतने सारे हो चुके हैं और बाकी होना कल से चालू भी हो जाएंगे। तो 15 अगस्त तक भाई यही प्रक्रिया चलती जाएगी, पौधे रुकते जाएंगे और एक एक महीने बाद फिर आके उसी पौधे के साथ सेल्फी लेके अपलोड करना है। तो हमने अपने ऐप में भाई फोटो डाल दी है, अमित भैया ने 5 में, मैंने अपनी 5 में, अभिषेक भाई डाल दिए क्या? डाल दी भाई, सबका काम पुख्ता बिल्कुल मजबूती के साथ हो रहा है। ऐसा नहीं कि लगा के चले गए, नहीं, लगाओ अपनी सेल्फी खींचो और सरकारी ऐप में अपलोड करो, तभी तो भाई लगेगा ना कि वृक्षारोपण हुआ है। और मौसम बहुत शानदार है, पानी बिल्कुल हल्का हल्का एक एक बूंद गिर रहा है और हम लोग खुली हवाएं में बढ़िया मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। और अभिषेक भाई रहते हैं इंदौर में, हफ्ते दो हफ्ते मिलना होता है तो बढ़िया गप सड़ाका चलता है और चाय पीने चलते हैं थोड़ी देर में। कार्यक्रम समाप्त हो चुका है, सब लोग अपने अपने घर की तरफ भाई प्रस्थान कर रहे हैं। समय हो रहा है 6:35, हम भी अपनी गाड़ी उठाते हैं और 2-3 लोग और हैं, चल के बढ़िया चौराहे पे मस्त गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं। तो भाई साहब पीछे गाड़ी लेकर वो निकाल लिए हैं, भाई आ गए चाय की दुकान पर, बाकी लोग सब लोग निकल चुके हैं। हम लोग देखो गर्मा गर्म चाय ले लिए हैं और बाहर पानी गिरना चालू हो चुका अच्छा खासा तेज। तो भाई अब तक चाय खत्म होगी, देखते हैं पानी बंद होता है तो यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद 2-3 काम है बहुत जरूरी वो निपटाएंगे। तो गर्मा गर्म चाय की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसको पीते फटाफट। तेज बारिश अच्छी आ गई है, पानी रुकने के इंतजार में भाई। समय हो गया 7:30, 7:35 हो चुके हैं, अब पानी बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, और मम्मी का फोन आया था कि भाई दूध वूध लेके घर चलना है और पानी कब तक खड़ाएंगे। गूगल बाबा भी आज फैद हो गए हमारे, सही बताए 7:30 बताए थे पानी बंद हो जाएगा, 5 मिनट ज्यादा हो चुका पर पानी बंद नहीं हो रहा है। एक काम करते दादा से पन्नी लेते हैं, मोबाइल रखते हैं और सीधे मिलते हैं भाई घर पर। बैक टू होम, नहा धोकर हो गए फुर्सत। और जब हम रांची से निकले और घर तक आने में पूरी तरह भाई पानी में भीग चुके थे, 1 इंच की भी जगह नहीं थी जहां हम सूखे रहे हों, पूरा पानी से नहा चुके थे। और बहुत तेज बारिश भाई, घमापुर सिविल लाइन सब जगह बारिश हो रही थी, सिर्फ अपने मोहल्ले में जो है ना पानी बिल्कुल हल्का हल्का गिर रहा था। तभी मम्मी बोली थी कि यहाँ तो पानी गिर ही नहीं रहा, तुम लोग कहाँ पानी में फंसे पड़े हो। हमने बोला मम्मी रांची में फंसे पड़े हो और कहाँ फंसे पड़ेंगे। तो भाई यहाँ सूखा सूखा 4 बूंद गिरा है, वहां तो मूसलाधार पानी गिर गया। अब कार्यक्रम बहुत शानदार हो गया भाई। जो स्वामी जी आपको दिख रहे होंगे वो है भाई कैबिनेट मिनिस्टर और हमारे बॉस राज्य मंत्री बन चुके हैं भाई। तो वो आखिरी में आपको दिखे होंगे जब हम अंधेरापन में पौधा लगा रहे थे ना, तो विधायक और हमारे बॉस राज्य मंत्री। अब मिल गई हमको गर्मा गर्म चाय जिसकी हमको बहुत ज्यादा जरूरत थी। और भाई साहब खोल रहे हैं टोस्ट का पैकेट,
तो मस्त गर्मा गर्म चाय और क्रंची क्रंची टोस्ट, आ हा हा क्या मस्त मजा आएगी। समय हो रहा है रात के ठीक 12 बजे, हो गया है मेरा डिनर का समय और थाली बिल्कुल तैयार है। भाई ये बना है लौकी का कोफ्ता, देखो क्या शानदार, चावल खीरे का सलाद, एक बार आप देखो कोफ्ता, खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है कि पूरा कमरा भर गया। हे गाइस, हो गई है बहुत रात, अब आ रही है भाई गजब की नींद, बिस्तर बैठे यहीं सीधे पट सो जाएंगे। तो ब्लॉग की करते यहीं पर एंडिंग, आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।